नमस्कार फ्रेंड्स, कॉर्ग N364 कीबोर्ड में, जैसे आप सब जानते हैं कि 1996 में रिलीज हुआ कीबोर्ड है, तो इसके अंदर फ्लॉपी ड्राइव होता है और ये फ्लॉपी ड्राइव में हम अपना बैकअप वगैरह लेते हैं या फिर जो हमारे फ्लॉपीज में हमारे पास डेटा है वो हम इस कीबोर्ड में रीलोड करते हैं। लेकिन बहुत टाइम होने के बाद कभी लेंसेज खराब हो जाते हैं या फिर फ्लॉपीज करप्ट हो जाती है, जिसके कारण हम अपने कीबोर्ड का डेटा या बैकअप नहीं ले पाते हैं। अब इस कीबोर्ड का अगर हम कोई फ्लॉपी ड्राइव में से यूएसबी कन्वर्जन करना चाहे तो ये कर सकते हैं और इसको लेकर के आज हम एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में ये इस टाइप का यूएसबी इम्यूलेटर मिलता है और आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या फिर आपके नज़दीक में कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हो तो वहाँ पर ये मिल जाएगा आपको। इसके लिए कभी कोई ऐसा स्पेशल ब्रांड वगैरह नहीं होता है, ऑलमोस्ट ये सब इम्पोर्टेड होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इन यूएसबी इम्यूलेटर और फ्लॉपी ड्राइव के कनेक्टर भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो आइए आज हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये N364 कीबोर्ड में यूएसबी इम्यूलेटर फ्लॉपी ड्राइव की जगह कैसे रिप्लेस करेंगे। अब कीबोर्ड की बैक पैनल को ओपन करने से पहले सबसे पहले आपने ये पावर केबल है उसको डिस्कनेक्ट करना है, वरना ये हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक हैजार्डस होता है, कभी ये आपको शॉक लगने का भी चांस होता है। तो सबसे पहले ये केबल को आप अपने कीबोर्ड से रिमूव कर लेते। अब ऐसे कोई भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके कीबोर्ड के पीछे पैनल पर जितने भी स्क्रूज लगे हैं उनको आप सबसे पहले ओपन करिए और फिर हम बैक कवर को खोलेंगे इसके पास। अब जब पूरा कीबोर्ड का बैक पैनल ओपन हो जाएगा तो फ्रेंड्स हमें अपना ये कीबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा और अगर आपका कीबोर्ड अच्छी कंडीशन में है, अगर इसको किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की होगी तो ये ऐसा बहुत ही प्यारा बहुत डिसेंट आपको दिखेगा। अब कीबोर्ड के ये पोर्शन में जहां पर अपना पिच बेंडर होता है और अगर आप साइड में से देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि वहां पर अपना ये फ्लॉपी ड्राइव होता है और ये फ्लॉपी ड्राइव ये सॉकेट के ऊपर फिटिंग किया होता है और इसके स्क्रूज आप इसको यहां से नीचे से ओपन कर सकते हैं। सिर्फ छोटे छोटे चार स्क्रू है, उसको आप ओपन करें और जब आपके स्क्रूज ओपन हो जाएंगे तो आप इसको ऐसा बहुत हल्के से इसको निकाल सकते हैं। ये है अपना फ्लॉपी ड्राइव और ये एक पूरा केसिंग के ऊपर इसको फिट किया हुआ होता है। अब यहां से हम इसको ओपन करना चाहे तो ये साइड में लगे स्क्रूज को खोल देना है। चार स्क्रू को ओपन करने के बाद ये अपना जो पैनल है, ये जिसको हम कह सकते हैं कि ड्राइव को होल्ड करने के लिए पैनल है और ये है अपना फ्लॉपी ड्राइव और इस फ्लॉपी ड्राइव में यहाँ पर अपना ये केबल कनेक्ट किया हुआ है और ये है इसका पावर सप्लाई। सही में अगर हम इसका यूएसबी इम्यूलेटर में देखेंगे तो आपको भी यहाँ पर ऐसा ही एक कनेक्टर दिखेगा। ये पावर सप्लाई का लोकेटर थोड़ा इससे दूर होगा लेकिन हमें इसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है और केबल निकालते टाइम आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसका कोई भी कनेक्टर डैमेज नहीं हो जाए। बिल्कुल प्लग एंड प्ले है, इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी नहीं करना होगा आपको। बस
इतना सा आपको ध्यान रखना है, ये केबल यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और ये पावर सप्लाई आपका यहाँ पर लग जाएगा, और ये आपका यूएसबी इम्यूलेटर है। आपने देखा सिर्फ ये दो केबल को कनेक्ट करना है और आपका ये सॉकेट के अंदर बाद में हम इसको फिट कर देंगे। अब कोर्ग N364 कीबोर्ड में फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि ये इस टाइप का जो केबल होगा तो आपने देखना है कि ये हम लोग कंप्यूटर में से जब फ्लॉपी ड्राइव निकालते हैं तो इसमें ये केबल होता है, ये 34 पिन कहते हैं इसको। ये 34 पिन वाला केबल, अगर N364 में दो टाइप के मॉडल है, एक 34 पिन और दूसरा है 26 पिन। 26 पिन में एक आपको सीधा फ्लैट केबल आता है जो यहां से डायरेक्ट इंसर्ट होता है, लेकिन उस टाइप के फ्लॉपी ड्राइव वाले कीबोर्ड में अल्टरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी जो मार्केट में ये यूएसबी इम्यूलेटर अवेलेबल है वो आपको मिलेगा 34 पिन वाला। और बाकी रोलैंड XP60 और ये सब कीबोर्ड में जब हम अल्टरेशन करते हैं तो ये इस टाइप का चलता है उसमें। तो फ्रेंड्स आपको कीबोर्ड में मॉडिफिकेशन करने के पहले एक बार कीबोर्ड को ओपन करके देख लेना है कि आपके कीबोर्ड में 34 पिन वाला कनेक्टर है या 26 पिन वाला। 26 पिन वाला कनेक्टर हो तो आपने फिर इसको नहीं छेड़ना है। अभी आप जब देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ये सब स्क्रूज फिट करने के लिए इसके प्रॉपर मार्किंग है, और ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपका कीबोर्ड जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में आपका ये इम्यूलेटर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ब्रांड लिखा हुआ है गोटेक, तो गोटेक ऐसा ऊपर की तरफ रहेगा, और यहां पर सिर्फ आपने ये स्क्रूज को फिट कर देना है। अब जब आप इसको स्क्रूज को फिट कर देंगे तो साइड पैनल पर इस तरह से ये दो स्क्रू लगेंगे, और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आपने स्क्रूज को फिट कर देना है। और ध्यान रखना है क्योंकि ये इसका एक प्रॉपर लोकेशन इसके ऊपर सेट किया हुआ है, इसलिए स्क्रू इसके प्रॉपर जगह पर लगना जरूरी है। अब अपना यूनिट इस तरह से फिट हो जाने के बाद फिर से एक बार ये केबल डिसमेंटल किया था, इसको फिर से लगा देते और फिर ये यूनिट जो पहले हमने जहां से फ्लॉपी ड्राइव को ओपन किया था वहां पर उसी जगह पर ये प्रॉपरली फिट कर देंगे इसको। तो अभी फ्रेंड्स अपना ये यूनिट इसके ऊपर प्रॉपरली फिट हो चुका है, और फिर बहुत केयरफुली ये इसका बैक पैनल जो है या फिर हम जिसको कवर कहते हैं इसको फिट कर देना है। अब यूनिट प्रॉपरली फिट हो जाने के बाद फिर हमें ऐसा यहां पर साइड में जो फ्लॉपी ड्राइव पहले था यहां पर हमें ये दिखाई देगा। अब जब हम कीबोर्ड का पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो यहां पर आपको इस तरह से ये लाइट्स भी दिखेगी, ये ड्राइव ऑन है ये भी दिखाता है। फिर हम यहां पर अपना पेन ड्राइव लगा के फिर इसको फॉर्मेट करेंगे और फिर बाद में हम अपना डेटा बैकअप वगैरह ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि अभी अपना कॉर्ग N364 कीबोर्ड फ्लॉपी ड्राइव में से यूएसबी इम्यूलेटर में हमने कन्वर्जन किया। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी आपको स्पेशल अल्टरेशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप आपके कीबोर्ड को ओपन करें पावर सप्लाई निकाल दे, और जो भी कनेक्टर को केबल से डिसमेंटल करते हैं तभी ध्यान रखें कोई उसका पिन वगैरह डैमेज नहीं हो। तो फ्रेंड्स बस आशा करता हूं कि शायद ये कोर्ग N364 को लेकर के जो वीडियो अभी हमने बनाया है वो शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगा, और इसको लेकर के अगर आपके कोई सजेशन या सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।